तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रॉक टेक ब्रिंग। फ्रेंड्स, हमने क्या देखा है कि जो जनसेवा केंद्र चलाते हैं तो उनपे क्या होता है, लोगों को हर किसी को जो है हिंदी कीवर्ड याद नहीं होता है, क्योंकि हिंदी कीवर्ड पे जो है अक्सर तो वहाँ पे होते नहीं है, फिर भी हमें जो सीख लेते हैं जो लोग, तो वो हिंदी टाइपिंग अच्छे से कर लेते हैं। तो कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है हिंदी वर्ड की, तो हमें जब कीवर्ड का ही नहीं पता, हमें हिंदी टाइपिंग आती नहीं है, तो यार उस कंडीशन में हम कैसे टाइपिंग करें। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग जो है ऑनलाइनिंग सर्च करते हैं गूगल इनपुट हिंदी का। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए मैं बता दूं, वो आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, आपको सॉफ्टवेयर बेस पे वो कंप्यूटर में नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर वो सॉफ्टवेयर बेस पे होगा तो आप ऑफलाइन भी उसको यूज कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप एक बार अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लोगे और अपने इंग्लिश कीबोर्ड से आप जैसे लिखोगे वैसे ही उसको हिंदी में कन्वर्ट कर देगा। जैसे लाइक एक मान लो फ्रेंड्स, जैसे हम व्हाट्सएप पे या ट्विटर या फेसबुक पे हम जो चैट करते हैं, वर्ड तो इंग्लिश के होते हैं पर उसमें जो अर्थ होता है वो हिंदी का होता है। तो इस तरह से आप जो है वर्ड अपने अनुसार लिखेंगे। जैसे अगर मैं अगर गूगल पे यार की अगर मैं कीवर्ड से टाइप करूं कि राम बाजार जाता है, तो ये चीजें मैं इंग्लिश में टाइप करूंगा कि आराम बाजार BJAR बाजार जाता है, तो वो सारी चीजें मैं इंग्लिश में टाइप करूंगा पर वो ऑटोमेटिक जो है वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो उनके लिए फायदा है जो इंग्लिश का कीवर्ड जानते हैं पर हिंदी का कीवर्ड नहीं जानते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बताएंगे कि हम अपने कंप्यूटर में उस सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे हम बिना इंटरनेट के इंग्लिश वर्ड को जो है हम जो है हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये सारी नॉलेज मिलेगी मेरे कंप्यूटर पर। तो हम ज्यादा समय लेते हुए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे कोई भी अभी जो है एक भी लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट नहीं है। जब मैं वो गूगल इनपुट हिंदी टूल जो मैं फ्रेंड्स यहाँ पे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करूंगा तो यहाँ पे EN करके लिखा हुआ आ जाएगा। अभी फिलहाल देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है नीचे कॉर्नर में कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे अगर कुछ भी टाइप करूंगा तो वो इंग्लिश में ही टाइप होगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे अगर मैं टाइप करूंगा तो यहाँ पे जो है ये हिंदी में ही कन्वर्ट नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो मैं आपको देख रखे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैं ये सीधा ऐसे ही लिख रहा हूँ तो वो एकदम इंग्लिश में ही लिखा जा रहा है, ये हिंदी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। पर जब फ्रेंड्स मैं गूगल हिंदी इनपुट टूल जब मैं इसमें अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लूंगा तो ये जैसे राम बाजार जाता है करके मैं लिख देता हूँ फ्रेंड्स, तो ये हिंदी में ऑटोमेटिक जो है कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि आप इंग्लिश के कीवर्ड को यूज करके हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ समझ में आएगा अभी जो है अभी कोई भी जहाँ पे यहाँ पे जो कोई भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है, तो यहाँ पे या तो फ्रेंड्स कुछ लोग क्या होते हैं गूगल जो है गूगल ट्रांसलेट का जो है यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं गूगल ट्रांसलेट पे यहाँ पे यूज करेंगे तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें इंटरनेट की जरूरत होती है। यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे फिर इधर कन्वर्ट करेंगे तब जाके चलेगा। पर फ्रेंड्स, कोई ऐसा जो साधन मिल जाए जो हम ऑफलाइन जो है गूगल में जो बिना ऑफलाइन बिना इंटरनेट के जो है हम फ्रेंड्स सारी भाषाओं में जो अपने इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में कन्वर्ट कर सके। तो कुछ लोग फ्रेंड्स यहाँ पे जो गूगल ट्रांसलेट यूज करते हैं, फिर उसके बाद फ्रेंड्स गूगल जो आता था फ्रेंड्स यहाँ पे गूगल हिंदी इनपुट, वो फ्रेंड्स जो आपको जो है आप जो है ऑनलाइन नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पे जो आपको वो गूगल हिंदी इनपुट जो है फ्रेंड्स ये अब सॉफ्टवेयर बेस पे काम नहीं कर रहा है, आप यहाँ पे जो है ऑनलाइन मिलेगा या फिर यहाँ पे आपके ऊपर कॉर्नर में आप देखते हैं या तो या फिर यहाँ पे जो है वो जो एक साथ मर्ज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एक नीचे कॉर्नर में यहाँ सॉफ्टवेयर की तरह एक इंस्टॉल नहीं होगा। तो अभी थोड़ा इंटरनेट मेरा स्लो है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इस तरह से देखते हैं फ्रेंड्स इस तरह से आ जाएगा गूगल इनपुट टूल्स। तो फ्रेंड्स पहले क्या होता था, इसका सॉफ्टवेयर आता था पर फ्रेंड्स आप सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना फोल्डर खोल रखा है, तो यहाँ देख सकते हैं गूगल इनपुट हिंदी वो जो गूगल इनपुट टूल हिंदी फ्रेंड्स ये 9 MB के समथिंग जो है एक सॉफ्टवेयर है, ये अब जो है डाउनलोड नहीं होता है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास पहले से जो है डाउनलोड है और मैंने यहाँ पे सेव करके रखा हुआ है फ्रेंड्स। तो मैं इसको सिंपल आपके सामने जो इंस्टॉल करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जैसे मैं इसको इंस्टॉल करूंगा तो यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ डबल क्लिक करके। यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे यस करेंगे, यस कर देंगे फ्रेंड्स तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिनिश कर देंगे तो ऑटोमेटिक से जो है यहाँ पे सारी चीजें जो है फिनिश हो जाएगी। तो जैसे फ्रेंड्स मैंने इसको जो है इंस्टॉल किया तो आप देख सकते हैं मेरे कॉर्नर में पहले यहाँ EN नहीं था पर अब फ्रेंड्स EN आ गया है। यहाँ पे हम अपनी जो है लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब जो है हमारा जो है हिंदी इंग्लिश जो इनपुट टूल है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे EN का जो है हमें सिंबल भी बना हुआ आ गया है। अब मैं आपको टाइप करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं हिंदी EN को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं जो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ आ रहा है।
तो मैं हिंदी इंडिया पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो मैंने इंस्टॉल किया वो आपको ऑटोमेटिक से आ जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ को इंग्लिश से आपको हिंदी ट्रांसलेट कर देना है, आपके बस हिंदी वाले पे जो है क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक कर दिया फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इंग्लिश में राम, यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे राम लिखूंगा और मैं स्पेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। राम बाजार फ्रेंड्स जाता है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने हिंदी जो है नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने सिर्फ इंग्लिश के कीवर्ड लिखे हैं। यहाँ पे अगर मैंने राम लिखा है तो राम इंग्लिश में, अगर मैं जैसे स्पेस करूंगा तो फ्रेंड्स ऑटोमेटिक से जो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, बिना किसी इंटरनेट के आप यहाँ पे जो है इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी इंटरनेट की जरूरत नहीं है, आप जहाँ चाहे वहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर मैं गूगल क्रोम पे यहाँ पे भी अगर कुछ लिखूँ फ्रेंड्स यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी हिंदी यहाँ पे जो काम करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इंग्लिश हो गया। तो हम अगर इस पे काम कराना है तो यहाँ पे हम जाएंगे फिर से हिंदी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे राम या रमन लिख देंगे फ्रेंड्स हम यहाँ पे रमन, तो ऑटोमेटिक से फ्रेंड्स आ जाएगा रमन बाजार जाता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इंग्लिश में लिखा पर ऑटोमेटिक से हिंदी में भी यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक जो है ट्रांसलेट हो गया है। तो ये सॉफ्टवेयर बहुत आसान है, अब जो है ऑनलाइन ये सॉफ्टवेयर बेस पे नहीं मिलता है, आपको ऑनलाइन ही करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको ये कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चला जाइए, वहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है फ्रेंड्स, वहाँ से आके डाउनलोड करके आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है हिंदी कीबोर्ड सीखने की, आप इंग्लिश का कीबोर्ड सीख लो और वहीं से आप जो है हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई फ्रेंड्स कि हम कैसे जो है डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे हम इसको जो है इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया फ्रेंड्स, वहां जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिएगा और अपने आराम से इंग्लिश वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करिए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, लोगों को शेयर कर देना और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो रॉक टेक ट्रेंड्स को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि इस पर आपको ऐसी नॉलेज वाली वीडियो मिलता रहता है फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों फिर मुझे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।